इस मंथ में मैंने एक वीडियो बनाया था बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर द प्राइस ऑफ 10,000. सो 10,000 के नीचे वाले फोन्स को मैंने कंपेयर किया था उसमें. उसमें से एक बेस्ट फोन मुझे जो लगा वो है Redmi Note 7S. सो मुझे एक स्पेयर फोन भी चाहिए था तो मैंने उसे बाय कर लिया है. आज के वीडियो में हम करेंगे उसको अनबॉक्स. ये है वो फोन Redmi Note 7S. इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं. So let's unbox this amazing piece, which is Redmi Note 7S, जिसमें आपको मिलता है 48 megapixel का AI camera, इसमें लिखा हुआ है. Let's see detailed specification. So हमने already 48 megapixel का camera देख लिया, plus इसमें 5 megapixel का camera है, which is AI dual rear camera. इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 660 देखने को मिल जाता है, काफी fast processor है. इसमें 6.3 inches की full HD plus dot notch display है. 4000 mAh की battery है, high capacity battery. सेकेंड ऑफ ऑल इसमें आपको मिल जाता है टाइप सी रिवर्सिबल कनेक्टर, आपकी चार्जिंग काफ़ी जल्दी हो जाएगी. इस प्राइस में आपको ये मिल जा रहा है. फोन का एक्चुअल प्राइस है 9,999 रुपीज़, प्लस मुझे इस पर कुछ डिस्काउंट मिला है और ये मुझे फ़ोन पड़ा है 9,000 रुपये में, विच इज़ 8,999 रुपीज़ में मुझे ये फ़ोन मिल गया 1,000 रुपये डिस्काउंट में. इसमें आपको 1,120 GB का 4G डेटा मिल जा रहा है एयरटेल के तरफ से. हाल फिलहाल मैं एयरटेल यूज़ कर नहीं रहा हूँ. चलिए इसको हम ओपन करते हैं. Let's look at the look and feel of the phone. इसके ऊपर एक और कवरिंग था जो मैंने निकाल दिया है. एक्चुअली ये मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन जस्ट टू चेक द फोन. मैंने इसको ओपन कर लिया. इसमें जो डॉट नॉच डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं कैमरा, विच इज 13 मेगापिक्सल कैमरा, इसकी डिटेल्स वहाँ दी नहीं हुई थी. इसके ऊपर में आपको 3.5 mm जैक मिल जाएगा, प्लस IR ब्लास्टर. बेसिकली आप टीवी का रिमोट इसी से ऑपरेट कर सकते हैं. नीचे साइड पे हम देखें तो इस पर आपको टाइप सी का चार्जर का पोर्ट मिल जा रहा है, विच जो काफ़ी फास्ट आपकी चार्जिंग हो जाएगी. वन साइड आपके स्पीकर्स है और वन साइड आपका माइक देखने को मिल जाएगा इस फोन में. चलिए हम इस फोन को स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं इसे. सो जब तक ये ऑन हो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके पैकेट्स में आपको क्या क्या देखने को मिल जा रहा है. सो उसमें आपको टाइप सी का चार्जिंग केबल, विच कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए डिवाइस. सेकेंड ऑफ ऑल आपको मिल जाता है एक चार्जर Xiaomi की तरफ से. सो ये है उसका चार्जर. इसके साथ साथ इसके पैकेट्स में क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं. सो हम इसके पैकेट को ओपन करते हैं. सो यहाँ आपको मिल जाता है पिन, जिससे आप सिम कार्ड स्लॉट को ओपन कर सकते हो. कुछ मैनुअल्स मिल जाते हैं आपको. अरे वाह, इसमें आपको एक कवर भी मिल जाता है, काफी बेहतरीन कवर है. इसको साइड में रखते हैं. हम फोन की बात करें, हम चेक करते हैं उसका इंटरफेस. इंटरफेस ऑलरेडी मैंने Xiaomi के फ़ोन्स यूज़ किए हुए, तो इसका इंटरफेस बिल्कुल Xiaomi के बाकी फ़ोन्स की तरह ही है. हॉटस्टार आपको इंस्टॉल आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा ऐप्स तो नहीं है, बट माई जियो है इसमें, पेटीएम है, WPS ऑफिस है जो आपको डेफिनेटली काम आने वाला है. सो हम सेटिंग्स पे चलते हैं. अबाउट फ़ोन देखते हैं तो आप देख पा रहे कि आपको इसमें MIUI का 10.3.7 वर्जन मिलता है. एंड्रॉयड 9 आपको देखने को मिल जाता है, एंड्रॉयड पाई. सो काफ़ी बेहतरीन है इस रेंज में. ऑफकोर्स 9,000 का फ़ोन है. इसमें ऑक्टा कोर मैक्स 2.2 GHz का CPU है. रैम आपको 4 GB का मिल जा रहा है. ऑफकोर्स काफ़ी अच्छा है इस रेंज में. 4 GB प्लस 64 GB का आपको इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, जिसमें आपको 48.98 GB ही अवेलेबल है फॉर ऐप इंस्टॉलेशन. सो काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है इस रेंज में. फ्रंट कैमरा तो मैंने आपको बता ही दिया क्या है, एक बार चेक भी कर लेते हैं हम कैमरा. सो कैमरा की क्वालिटी भी मुझे काफ़ी बेहतरीन लग रही है. माइन्यूट टू माइन्यूट डिटेल्स भी ये कैप्चर कर ले रहा है. सो हम देखते हैं इसके स्पेक्स को कैसे रीड कर पा रहा है इस फ़ोन के कैमरा के थ्रू. आई थिंक सो इसकी क्लैरिटी बहुत ही बेहतरीन है. एक पिक भी ले लेते हैं इसके साथ. आई थिंक लेट्स सी. शानदार क्वालिटी है इस रेंज में. 48 मेगापिक्सल एक्चुअली काफ़ी अच्छा काम कर रहा है. सो फ्रंट कैमरा से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आई थिंक काफ़ी डिसेंट कैमरा है और काफ़ी अच्छे फोटोज़ तो मैं ले सकता हूँ. एटलीस्ट मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड तो कर ही सकता हूँ इससे. सो हम मूव करते हैं इसको बैक साइड में, एक दो फोटो लेने की कोशिश करते हैं. डेफिनेटली आई थिंक सो दिस वन इज गुड. हाँ हाँ हाँ
डिसेंट फोटोज़, इस प्राइस रेंज में आपको काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ लेने को मिल जाएंगे इससे। चाहिए तो मैं ये भाई साहब की फ़ोटो लेता हूँ। ये भाई साहब काफ़ी टाइम से हमारे वीडियो में आने की कोशिश कर रहे बट आ नहीं पाए हैं। ओ क्या क्लैरिटी है बॉस। सो मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिल रहा है। एक्चुअल पिक्सल्स भी इतने अच्छे नहीं है जितने फ़ोटो के अंदर लग रहे हैं। सो काफ़ी बेहतरीन कैमरा है ये। सो हम चलते हैं बैक, देखते हैं कितना स्मूथ इसका स्वाइप है। तो काफ़ी स्मूथ है, कैमरा फंक्शनैलिटी भी काफ़ी प्रॉपर है। वीडियो मोड पोर्ट्रेट चेक करते हैं, पोर्ट्रेट भी काफ़ी अच्छा है, पीछे का ब्लर काफ़ी ईजिली विजिबल है। नाइट मोड भी है इसमें, पैनोरामा है, प्रो वर्शन भी है। सो एक्चुअली आपको 9000 के रेंज में काफ़ी कुछ मिल जा रहा है। होप ये वीडियो का आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।